आज मैं आपको पूरी अपनी इस वीडियो में इस मार्ग को दिखाऊंगी और ये मार्ग बेहद ही खास है चूंकि भगवान रामलला की जो कुल देवी थी माँ देवकाली का मंदिर भी यहीं पर है। इस मार्ग का निर्माण कार्य कैसे हुआ है और कैसे कैसे यहाँ का विस्तार हुआ है, तो चलते हैं आगे। आप इस मार्ग से रामलला के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। ये मार्ग जो है, आप सीधे जब इस मार्ग से जाएंगे तो ये मार्ग जो है आपको पचकोसी परिक्रमा मार्ग पर निकालेगा। ये पेट्रोल पंप भी नया है यहाँ पे। ये मार्ग का जब विस्तार हुआ तो उसके बाद इस पेट्रोल पंप को भी यहाँ पे बनाया गया। ये भी प्राचीन मंदिर है अयोध्या की। जो लोगों के घर प्रभावित हुए हैं, दुकानें प्रभावित हुए हैं, वो भी लोग बनवा ही रहे हैं। ये देखिए अभी इस तरफ जो है काम चल ही रहा है। अभी जो है डेप्थ का काम इस मार्ग पर पूरा नहीं हुआ है। दोनों तरफ जो है डेप्थ का काम चल रहा है। पूरे अयोध्या के इस मार्ग पर ही 3 जगह पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा। एक मैंने आपको पीछे दिखाया और एक ये रहा और एक आगे है देवकाली पे। ये फुटपाथ बनाए हैं, बाकायदा पत्थर लगाए गए हैं। ये देखिए जो पत्थर यहाँ रखे गए हैं, ये यही मार्बल्स जो है यहाँ पर लगाए गए हैं ये डेप्थ पे। इसके आगे भी मैं आपको भी लेके चलूँगी, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको मंदिर की ओर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ बाहर से ही कि भगवान राम की कुलदेवी का मंदिर कहाँ और कैसा है। ये जो मार्ग जाता है ये आपको सीधा रामपथ से जोड़ता है। आप इस मार्ग से भी रामलला के राम मंदिर और अयोध्या जा सकते हैं। तो इस मार्ग से आप सीधे जो है आप जाम से बच सकेंगे जब यम कोवर ब्रिज यहाँ की तैयार हो जाएगी, और यहाँ से आप सीधे शहर में निकल सकेंगे। और उधर से अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपको आसानी होगी, अब आपको जाम में फंसना नहीं होगा। यहाँ पे कई बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, अयोध्या के प्रसिद्ध अस्पतालों में से हैं। मैंने उस तरफ आपको वीडियो दिखाया था कि हम बाईपास से कैसे आएंगे, और अब मैं इस तरफ दिखाती हूँ कि आप अगर चौक होते हुए आते हैं या रामपथ से गुलाबबाड़ी मार्ग से इधर कटते हैं तो आप कैसे यहाँ पहुँचेंगे। ये गुलाबबाड़ी का मैदान रहा, और यहाँ पर ही कई त्योहारों में यहाँ पर मेला लगता है। मतलब दिवाली में पटाखों की दुकानें भी इसी मैदान में लगती है, चूँकि अयोध्या में ठीक ठाक स्पेस यहाँ पर है। अब हम पहुँचने वाले हैं रीडगंज चौराहा, और मैं वहाँ से ही आपको समझाऊँगी कि आप यहाँ कैसे कैसे आ सकते हैं। अगर आपको देवकाली माँ के दर्शन करने आना है या फिर आपको गोरखपुर जाना है तो आप कैसे हाईवे से जा सकते हैं और देवकाली मार्ग से आप आसानी से जा सकते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं रीडगंज चौराहे पे। ये जो मार्ग है इस चौराहे का, ये मार्ग गुलाबबाड़ी लेके जाता है। सामने आपको गुलाबबाड़ी का वो गेट भी दिख रहा है। ये है रीडगंज, इसे रीडगंज के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति और आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज मैं आपको अयोध्या के देवकाली मार्ग पर लेकर आई हूँ। ये भी मार्ग भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ इसका भी विस्तार हुआ था, इसका भी निर्माण कार्य किया गया था, इसका भी चौड़ीकरण हुआ था। आज मैं आपको पूरी अपनी इस वीडियो में इस मार्ग को दिखाऊंगी, और ये मार्ग बेहद ही खास है चूंकि भगवान रामलला की जो कुल देवी थी माँ देवकाली का मंदिर भी यहीं पर है। और ये मार्ग अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। ये मार्ग आपको 3 जगह से जोड़ता है। आप इसी मार्ग से साकेतपुरी होते हुए भगवान रामलला के मंदिर भी जा सकते हैं, और इसी मार्ग से अगर आप सीधे जाएंगे तो आप NH-27 पे भी पहुंच सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ इसी मार्ग से भगवान रामलला की कुलदेवी माँ देवकाली के मंदिर भी जा सकते हैं। तो हम चलते हैं और आपको अपनी पूरी वीडियो में दिखाते हैं कि इस मार्ग का निर्माण कार्य कैसे हुआ है और कैसे कैसे यहाँ का विस्तार हुआ है, तो चलते हैं आगे। हम देवकाली बाईपास पहुंच चुके हैं। देखिए ये जो सामने आपको मार्ग दिख रहा है ये दर्शन नगर जाता है, और जो इस तरफ ये मार्ग आपको दिख रहा है ये गोरखपुर और आजमगढ़ की ओर जाता है। और आप इस तरफ से जाएंगे तो सीधे NH-27 राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि लखनऊ और गोरखपुर मार्ग पर पहुंच जाएंगे। ये रहा देवकाली बाईपास, और हम चलेंगे इस तरफ। ये इधर भी एक जो मार्ग गया है ये साकेतपुरी मार्ग है,
ये साकेतपुरी कॉलोनी की तरफ जाता है। आप इस मार्ग से रामलला के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। ये मार्ग जो है, आप सीधे जब इस मार्ग से जाएंगे तो ये मार्ग जो है आपको पचकोसी परिक्रमा मार्ग पर निकालेगा और वहाँ से आप चूड़ामणि चौक होते हुए राम मंदिर आसानी से जा सकते हैं रामपथ से होते हुए। तो ये रास्ता आपको आसानी से अयोध्या राम मंदिर भी पहुँचाएगा। लेकिन हम चलेंगे इस तरफ, और देवकाली हम इसलिए आए हैं क्योंकि भगवान राम की कुल देवी का मंदिर भी देवकाली पर ही है, और इस मार्ग का भी चौड़ीकरण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ हुआ। पहले ये मार्ग काफ़ी सकरा हुआ करता था, लेकिन इसका भी विस्तार हुआ और ये टू लाइन में बन के तैयार है। बीच में डिवाइडर बनाए गए हैं, एक तरफ से लोग आते हैं और एक तरफ से लोग जाते हैं। पहले ये मार्ग जो है काफ़ी सकरा हुआ करता था। ये जो आपको दोनों तरफ दुकानें दिख रही हैं, ये सब काफ़ी आगे तक पहले हुआ करती थी। अब इसका चौड़ीकरण होने के बाद यहाँ पे रहने वाले लोगों को और अयोध्या आने वाले दर्शनार्थियों को भी काफ़ी लाभ मिला है। तो हम चलते हैं और आपको ये पूरा मार्ग दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे आप रामलला की कुल देवी के मंदिर पहुँचेंगे। देखिए बीच में डिवाइडर बनाए गए हैं और पौधे भी लगाए गए हैं, निर्माण का हुआ सीवर टैंक बनाए गए। देखिए लोग कितने पीछे जा चुके हैं, अभी सीवर का काम जो है वो चल रहा है। ये मार्ग चौड़ा होने से अयोध्या वासियों को काफ़ी राहत मिली है क्योंकि ये मार्ग सबसे ज़्यादा सकरा था और आने जाने वाले लोग एक ही मार्ग से होकर जाते थे, तो इस कारण भी दिक्कत होती थी। ये पेट्रोल पंप भी नया है यहाँ पे, ये मार्ग का जब विस्तार हुआ तो उसके बाद इस पेट्रोल पंप को भी यहाँ पे बनाया गया। देखिए उस तरफ अभी जो है ये काम चल रहा है, डेप्थ का अभी कंप्लीट नहीं। देखिए ये जो इस मार्ग के किनारे किनारे घर और दुकानें थी उनको तोड़ा गया है। ये जो आपको सामने ये दिख रहा है ये दुकान, ये पूरी तरह से तोड़ा जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा नहीं क्योंकि ये काफ़ी बीच में है। और बाकी इस तरफ देखिए, इस तरफ भी लोगों के मकान हैं, लोगों ने तोड़ के पीछे की तरफ शिफ्ट किया है। देखिए पहले ये मार्ग जो है काफ़ी कंजेस्टेड था। जब नवरात्रि आती है तो सबसे ज़्यादा भीड़ इस मार्ग पर होती है क्योंकि लोग सुबह के टाइम मंदिर आते हैं, तो इसलिए भी यहाँ कम पे बहुत ज़्यादा जाम होता था, ट्रैफिक देखना पड़ता था। अब जो है उससे निजात मिलेगा। ये सारे मकान जो है टूट गए हैं। अभी जो है वो डेप्ट का काम लगभग चल रहा है, सीवर का। ये देखिए ये सीमेंट की मोटी मोटी पाइपें जो ला के रखी गई है, ये सीवर में लगेंगी। ये मंदिर है हनुमान जी की, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि ये डेप्थ के ये जो डेप्थ बना है उसके पीछे से ही ये पिलर देकर के लाइटें लगी हैं। पहले ये थोड़ा आगे हुआ करती थी लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि मंदिर पीछे से ही बनी थी। तो ये भी प्राचीन मंदिर है अयोध्या की। अभी जो है इसका निर्माण कार्य जो है चल ही रहा है। अभी जो लोगों के घर प्रभावित हुए हैं, दुकानें प्रभावित हुए हैं, वो भी लोग बनवा ही रहे हैं। ये देखिए अभी इस तरफ जो है काम चल ही रहा है, सुबह का समय है। ये देखिए यहाँ पे ये अभी
अभी जो है डेप्थ का काम इस मार्ग पर पूरा नहीं हुआ है, दोनों तरफ जो है डेप्थ का काम चल रहा है। सुबह का समय है इसलिए काम करते लोग दिख नहीं रहे हैं। ये देखिए एकेडमी बच्चों, छोटे बच्चों का। इस मार्ग का विस्तार होने के बाद आपको अयोध्या के, पूरे अयोध्या के इस मार्ग पर ही तीन जगह पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा। एक मैंने आपको पीछे दिखाया और एक ये रहा और एक आगे है देवकाली पे ओवरब्रिज के पास, देवा ओवरब्रिज के पास। तो इस मार्ग का विस्तार होने के बाद यहाँ पे तीन पेट्रोल पंप हो गए हैं। अभी ये इस मार्ग पर काफ़ी काम बाकी है, अभी इसे फाइनल टच नहीं दिया गया है। तो देखिए उस तरफ भी अभी जो है डेप का काम चल रहा है। ये देखिए इसे पत्थर लग रहा है, ये यहाँ पे यहाँ तक लग गया है, इसके आगे लगना बाकी है। ये फुटपाथ बना है, बकायदा पत्थर लगाए गए हैं। ये देखिए जो पत्थर यहाँ रखे गए हैं, यही मार्बल्स जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। ये डेप्थ पे, ये मतलब अभी देखिए अभी इसका काम जो है पूरी तरह से पूरा नहीं कह सकते हैं, अभी इसका निर्माण कार्य चल ही रहा है। ये जो मार्बल्स आपको दिख रहे हैं वही ये डेप्थ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह लग भी गए हैं। तो ये फुटपाथ के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं। देखिए ये सब मकान जो है ये सब पहले काफ़ी आगे हुआ करते थे, टूट चुके हैं। ये सब लोग अब अपने अपने स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं इस मार्ग का चौड़ीकरण होने के कारण। ये देखिए अब लोग नए सिरे से कुछ लोग अपना घर और मकान और दुकान बना रहे हैं। ये देवकाली पुलिस चौकी है, इसकी भी वाल जो है ये बाउंड्री वाल आपको दिख रही है, ये पहले काफ़ी आगे तक हुआ करती थी, अब ये भी जो है पीछे की ओर चली गई है। देखिए अभी यहाँ पे व्यक्ति जो है खुला ही हुआ है कि अभी इस पर काम काफ़ी बाकी हुए हैं, अभी कहीं भी जब जो है रुका नहीं गया। देखिए ये मार्ग, यही वो मार्ग है जो आपको भगवान राम की कुलदेवी के मंदिर लेके जाएगा। हम देखिए उधर से आए देवकाली बाईपास से चलते हुए, इस मार्ग से हम होते हुए आए हैं और हम इस तरफ जाएंगे। इधर ही भगवान राम की कुलदेवी का मंदिर है और इसके आगे भी मैं आपको भी लेकर चलूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आपको मंदिर की ओर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ बाहर से ही कि भगवान राम की कुलदेवी का मंदिर कहाँ और कैसा है। हम इधर से ही चलेंगे अंदर, तो चलते हैं। बाहर आ चुके हैं मंदिर के इस तरफ, ये जो मार्ग जाता है जो अभी मैंने आपको गेट नंबर 2 दिखाया था जिधर से पार्किंग है, ये जो मार्ग जाता है ये आपको सीधा राम पथ से जोड़ता है। आप इस मार्ग से भी रामलला के राम मंदिर और अयोध्या जा सकते हैं। ये आपको बेनीगंज होते हुए राम पथ पर निकालेगा ये मार्ग आपको। तो इधर से भी आप अयोध्या रामलला का दर्शन करने जा सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं इस तरफ, हम इधर से ही आए थे और इधर से आपको लेकर चलते हैं और इस मार्ग का विकास आपको दिखाते हैं कि कितना विस्तार रूप दिया गया है इसको और आगे कितना काम हो चुका है इस मार्ग पर। तो चलते हैं आगे की ओर। हम इस मार्ग से अभी चलकर आए थे देवकाली बाईपास से इस तरफ से, अब हम इस तरफ आपको लेकर चलेंगे। ये देखिए ये अब कितना चौड़ा लग रहा है ये मार्ग, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में फतेहगंज ओवरब्रिज दिखाया था, जो नए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है वो
मैं आपको उस दिन दिखाई थी कि आप इस तरफ से भी देवकाली जा सकते हैं, ये वो यही मार्ग है। आप इस मार्ग से अगर सीधे इस मार्ग से जाएंगे तो आप जो नया वाला ओवरब्रिज का काम चल रहा है वहाँ पर पहुँचेंगे, तो उस ओवरब्रिज के बनने से काफ़ी राहत मिलने वाली है अयोध्या वासियों को भी, आने वाले दर्शनार्थियों को भी, पर्यटकों को भी। तो इस मार्ग से आप सीधे जो है आप जाम से बच सकेंगे जब ओवरब्रिज यहाँ की तैयार हो जाएगी, और यहाँ से आप सीधे शहर में निकल सकेंगे, और उधर से अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपको आसानी होगी, अब आपको जाम में फंसना नहीं होगा। फिलहाल हम चलेंगे सीधे इस तरफ। ये मार्ग जो है देवकाली रोड से होते हुए, रीडगंज से होते हुए आपको ये चौक से जोड़ता है। तो हम चलते हैं और आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए, मतलब दोनों तरफ की सड़क का जो है चौड़ीकरण हुआ है। ये पानी लगाए गए हैं पीने के लिए। ये देखिए मार्बल्स यहाँ पे भी रखे हुए हैं, वो पाइप रखे हुए हैं। ये सब जो है इस फुटपाथ पर लगेंगे, वो सीवर का काम होगा तो उसमें वो पाइप लगेगी सीमेंट की। ये देखिए यहाँ पे ये जो सारे घर प्रभावित हुए हैं वो नए सिरे से बन रहे हैं, और चौक के बाद अब मद्रास आइलैंड यहाँ पे भी खुल गया है। अब यहाँ पर भी कई, मतलब अयोध्या का सबसे रिहायशी इलाका इसे माना जाता है। यहाँ पर कई बड़े हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कई कंपनियों के शोरूम हैं। अभी इसमें जो है कतार लाइट लगी है, बाकी है अभी सर्कुलर बन के तैयार है सब जगह पे, ऐसा ही है। तो अभी इसमें कतार लाइटें लगना बाकी है। देखिए कहते हैं कि कहीं अगर विकास होता है सिर्फ उस क्षेत्र का ही नहीं विकास होता है, आसपास के क्षेत्रों का भी विकास होता है। ये देखिए ये मार्ग भी आपको देवकाली से जोड़ेगा मजीगंज से। ये देखिए कई बिल्डिंगें यहाँ पे बन रही हैं, नए नए शोरूम बनेंगे। ये यहाँ पे एक्सिस बैंक रहा, ये HDFC बैंक रहा। ये देखिए अभी डेप्ट का काम चल ही रहा है। अभी ये मार्ग पूरी तरह से बनकर नहीं तैयार है। ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल है, ये फैमिली बाजार है। ये देखिए अभी इधर की तरफ काम चल ही रहा। ये इधर देखिए हमारे जो सुपर हीरो हैं वो डेप्ट का निर्माण कार्य कर रहे हैं, डेप्ट पर काम कर रहे हैं। अभी जो है इसमें ये फ्रेम लगाए गए हैं, उसके बाद इसको बंद करने का काम किया जाएगा। देखिए अभी पटरा लगा के इसे बनाया गया, तो अब धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है। ये देखिए अभी इसको जोड़ने का काम किया जाएगा, कैनी हॉस्पिटल है। ये रिलायंस वालों का स्मार्ट बाजार है अयोध्या में देवकाली रोड पर ही। ये बाटी चोखा की फ्रेंचाइजी यहाँ पे भी है, पल्लवी बाटी चोखा की। ये देखिए सुबह का समय है, यही सब बंद है। ये OP ज्वेलर्स का शोरूम है। ये देखिए यहाँ पे अभी काम होने बाकी है, ये मोटी मोटी पाइप को सीमेंट की ला के रखी गई। अभी डेप्थ का निर्माण कार्य ठीक से नहीं हुआ है, इस कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है गाड़ी पार्क करने में, क्योंकि कहीं कहीं खुले हुए हैं, कहीं कहीं बंद हैं। देखिए अब हम पहुँच गए हैं देवा हॉस्पिटल के पास। इसको देवा हॉस्पिटल होने के नाते ही इसे देवा ओवरब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से ही ये बना है, तो इसलिए लोग इसको। और ये रहा एक पेट्रोल पंप। आप मतलब अगर चौक के साइड से आएंगे और इधर से आएंगे चौक से होते हुए, तो आप इसी ओवरब्रिज से आएंगे और इस ओवरब्रिज के बगल में ही आपको ये पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो हम इस ओवरब्रिज के ऊपर से ही चलेंगे। ये पुराना ओवरब्रिज है, इसका निर्माण कार्य अभी नहीं हुआ है। नीचे से भी रास्ता है, लेकिन अब
ब्लॉक है, जाने लायक नहीं है तो हम ऊपर से ही चले गए। इस ओवर ब्रिज के नीचे कई बड़े हॉस्पिटल हैं, ये सुंदरम मेडिकल सेंटर, आगे देवा हॉस्पिटल है, मतलब यहाँ पे कई बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं अयोध्या के प्रसिद्ध अस्पतालों में से हैं। इस ओवर ब्रिज से चढ़ के हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हम रीडगंज पहुँचेंगे। मैंने उस तरफ आपको वीडियो दिखाया था कि हम बाईपास से कैसे आएंगे, और अब मैं इस तरफ दिखाती हूँ कि आप अगर चौक होते हुए आते हैं या रामपथ से गुलाबबाड़ी मार्ग से इधर कटते हैं तो आप कैसे यहाँ पहुँचेंगे। पूरा पूरा ओवर ब्रिज इसके बनने से भी काफ़ी राहत मिली थी जाम के जाम से, लेकिन ये था कि मार्ग जो है वो काफ़ी सकरा था तो इस कारण काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पे हो जाता था। अब मार्ग का भी चौड़ीकरण हो गया है तो अब जो है पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हुई और जाम के जाम से भी निजात मिला अयोध्या वासियों को भी और यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को भी। ये देखिए अब हम ओवर ब्रिज से नीचे की तरफ उतर रहे हैं और ये सामने रहा कोहिनूर पैलेस जो अयोध्या का में प्रसिद्ध होटल है। ये सामने कोहिनूर पैलेस, ये मार्ग कोहिनूर पैलेस की तरफ ये जो मार्ग जा रहा है ये मार्ग आपको जो है रामपथ पर निकालेगा। साहागंज होते हुए आप इधर से जाएंगे तो आप साहागंज निकलेंगे और साहागंज रामपथ पर, और यहाँ से भी आप अयोध्या जा सकते हैं। फिलहाल हम सीधे चलते हैं, हम ओवर ब्रिज से नीचे उतर आए हैं। ये सामने जो आपको गुंबद दिख रहा है ये अयोध्या का एक प्राचीन इमारत है और उसी का ये मैदान है जिसे गुलाबबाड़ी कहते हैं, उस प्राचीन इमारत को, प्राचीन धरोहर को, और ये उसी का मैदान है। और हम इधर से ही चलेंगे, हम आए हैं उधर से और ये गुलाबबाड़ी का मैदान रहा। और यहाँ पर ही कई त्योहारों में यहाँ पे मेला लगता है, मतलब दिवाली में पटाखों की दुकानें भी इसी मैदान में लगती है क्योंकि अयोध्या में ठीक ठाक स्पेस यहाँ पर है, इस कारण यहाँ पे काफ़ी कई चीज़ों का आयोजन होता है साल भर में कई बार। और ये हम पहुँच गए हैं रीडगंज, ये पूरा रीडगंज में आता है। अब हम पहुँचने वाले हैं रीडगंज चौराहा और मैं वहाँ से ही आपको समझाऊँगी कि आप यहाँ कैसे कैसे आ सकते हैं। अगर आपको देवकाली माँ के दर्शन करने आना है या फिर आपको गोरखपुर जाना है तो आप कैसे हाईवे से जा सकते हैं और देवकाली मार्ग से आप आसानी से जा सकते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं रीडगंज चौराहे पे, अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। देखिए जो ये मार्ग है कि जो आपको ये सब्जी की दुकान दिख रही है इसके बगल से ये जो मार्ग है ये जो है आपको गुलाबबाड़ी की तरफ लेके जाएगा ये, और ये सामने जो मार्ग आपको दिख रहा है यहाँ से आप रामपथ से इधर आ सकते हैं गुलाबबाड़ी वाले मार्ग से, और आप इधर से होते हुए देवकाली जा सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए अभी जो हम इसी मार्ग से चल कर आए हैं और ये रहा रेडियोगंज चौराहा। ये जो मार्ग है इस चौराहे का, ये मार्ग गुलाबबाड़ी लेके जाता है, सामने आपको गुलाबबाड़ी का वो गेट भी दिख रहा है। तो इस मार्ग से हम गुलाबबाड़ी जाते हैं और गुलाबबाड़ी के बगल वाले रास्ते से हम रामपथ पर भी जा सकते हैं। और दूसरा मार्ग ये रहा, ये सामने, ये आपको सीधे रामपथ लेके जाएगा। आप रामपथ से अगर आपको इधर आना है तो आप उस वहाँ से मुड़कर इस तरफ आ सकते हैं। दोनों तरफ का मार्ग जो है ये इस तरफ और इस तरफ, ये दोनों जो है रामपथ की ओर जाता है। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था गुलाबबाड़ी का वो जो बोर्ड लगा था, मैंने दिखाया था कि आप इधर से मुड़कर देवकाली और गुलाबबाड़ी जा सकते हैं, तो वही वह मार्ग है, आप उस रामपथ से भी यहाँ आ सकते हैं।
और तीसरा मार्ग ये रहा जो आपको चौक की तरफ लेकर जाएगा। हम इस तरफ चलते हैं, ये मार्ग आपको चौक लेके जाता है। आप अगर रिकाबगंज से यहाँ आते हैं तो भी आप सीधे आ सकते हैं। ये है रीडगंज, इसे रीडगंज के नाम से जानते हैं, रीडगंज कोतवाली। इसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है, इसको भी नए तरह से इसका विकास हो रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं जमुनियाबाग चौराहे पे और यही वो रास्ता है जो सीधे आपको 200 से 300 मीटर चलने पर आपको अयोध्या का चौक मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।